नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीरोधा जो नया स्ट्रिक 3.0 लाया है वो कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स जुड़े हैं जो कि 2.1 में या 2.0 में नहीं थे, और क्या क्या एडवांस फीचर इसमें जोड़े गए हैं, क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा इसमें, क्या क्या नुकसान है, कितनी फीस लगती है एक महीने की, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि जीरोधा स्ट्रिक 3.0 कैसे यूज़ करना है ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। तो सीधा चलते हैं दोस्तों वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए दोस्तों हम सीधा चलते हैं हमारे स्ट्रिक पर। दोस्तों ये जो है स्ट्रिक, ये 2.0 है जो अभी करंटली आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों अभी इसमें यहाँ पर मत जाइए क्योंकि ये जो डेमो अकाउंट है कई दिनों से बंद है, तो शायद इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जोड़ लिया गया है। ठीक है, मैं बात करूँगा जीरोधा वाला से, या हो सकता है जो मेरा पे आउट है वो लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर माइनस दिखा रहा है। खैर ये मैटर मैंने दिखाने के लिए वीडियो बनाया नहीं, हम जिस मैटर पर आज डिस्कस करने वाले हैं वो है नया फीचर। तो हम दोस्तों आपको दिख रहा होगा थोड़ा पुराना बता दूँ मैं आपको ताकि उसमें पता चले कि नए में अलग क्या है। डैशबोर्ड आपको पहले नॉर्मल दिख रहा था, स्ट्रेटेजी आपको बस ऐसे दिख रही थी, क्लिक करने पे यहाँ पर कुछ नीचे आता नहीं था, पूरा आपको नया खुल जाता था। अब जो नया बना है उसमें हम देखेंगे कैसी चीज़ें एकदम फ्लो में काम करती हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हो सीधा हम आ गए हैं नया 3.0 में। तो स्वागत है दोस्तों स्ट्रिक 3.0 में। अब आपके सामने देख लीजिए वहाँ पर बैलेंस छोटा छोटा दिखा रहा था, यहाँ पर बैलेंस बहुत बड़े अमाउंट आपको देखो दिखा रहा है, यानी कि बड़े नंबर साइज जो फंड साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। कमोडिटी की साइड आपको यहाँ पर दिख रही है और ये जो है यहाँ से आप जा सकते हैं पहले वाले वर्जन पे यदि आपको पसंद नहीं आता है या यूजर फ्रेंडली नहीं है। हालांकि ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा आपके साथ होगा दोस्तों, क्योंकि नए में हर बार इम्प्रूवमेंट करके ही चीज़ें डाली जाती है, जो पुराने वर्जन में चीज़ें नहीं होती है वही इम्प्रूव करके नए में डाला जाता है। तो आप एक बटन से यहाँ से डायरेक्ट आप 2.0 पे स्विच कर जाएंगे, और 2.0 चलाते चलाते बोर हो गए हों तो आप 3.0 पे आ जाइए। हमने देख लिया दोस्तों बैलेंस कैसे दिखा रहा है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे इसके। अब ये देख लीजिए तो डिस्कवर, अब डिस्कवर में क्या दिखाता है कि कोई सा भी इंडिकेटर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, वो सबको मिला के सबको, किसको, ट्रेंड फॉलोइंग को, मेन रिवर्सल को, मोमेंटम को, प्राइस एक्शन को, इन चारों में से जो भी चीज़ें हो रही होगी आपको साथ यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको दिख जाएगा। और यदि आप किसी एक मेथड पे ट्रेड कर रहे हैं, टेक्निक से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड फॉलोइंग हुआ, मीन रिवर्सल हुआ, मोमेंटम हुआ या प्राइस एक्शन में हुआ, आपका अगर किसी एक क्षेत्र में पकड़ गहरी है और आप उसी को अपना एज बनाना चाहते हैं, खासियत बनाना चाहते हैं, विशेषता बनाना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ जो है ये ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब ओवरऑल रिजल्ट दिखा रहा है सारी चीज़ों का, जैसे कि इसमें सोकास्टिक आ गया, इसमें रेंको चार्ट आ गया, इसमें NR7 जो कैंडल स्टिक बनता है पैटर्न उस वो शामिल होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। सारी चीज़ें दिखाने से दोस्तों हमें ये है कि हमें किसी भी एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए, एक फील्ड को ही अपना मेन टारगेट रखना चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों एक फील्ड हम कौन सी अचीव करने वाले हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि नीचे और क्या क्या डैशबोर्ड में शामिल है। नीचे दोस्तों टेक्निकल आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, यहाँ से आप कोई सा भी स्टॉक जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मुझे जोड़ना है DLF, ठीक, ये मैंने DLF का ऑप्शन, मतलब फ्यूचर जोड़ सकते हैं आप, इक्विटी कैश में जोड़ सकते हैं, ये मैंने DLF का जोड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा आपको, चार्ट दिख जाएगा यहाँ पर, कहाँ कौन सा कैंडल बना है, क्या हो रहा है, कितने कैंडल बेयरिश है, कितने बुलिश है, कितने न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों सारी गिन गिन के दिखा रहा आपको, तो कोई गिनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको मैनुअली, यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखा रहा है बियरिश से सारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक मिनट में जो EA में आ रहे हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज, RSI है, ये ऑस्किलेटर हो गया, ये MACD हो गया, ये CCI हो गया। ठीक है, अब इधर जाते जाएंगे तो और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनका नाम आता जाएगा, यानी कि आपको एक ही क्लिक में सारी चीज़ें आपके फेवरेट स्टॉक, फिर चाहे 4 स्टॉक हो, 10 स्टॉक हो या 15 स्टॉक हो, आप यहाँ पर जोड़ लीजिए और सारी चीज़ें आपको एक ही विंडो पर मिल जाएगा। तो हमने दोस्तों ये चीज़ें देख ली कि यहाँ पर आपको स्टॉक के नाम दिखा दिए, यहाँ पर आपको चार्ट दिखा दिया, यहाँ पर आपको ट्रेंड दिखा दिया, बुलिश चल रहा है, बियरिश चल रहा है, और जो मूविंग एवरेज है फिर चाहे एक्सपोनेंशियल हो, सिंपल हो, यहाँ पर उनकी प्राइजेस क्या है, इंडिकेटर जो है उनकी रेटिंग क्या है, किस रेंज में काम कर रहे हो, और सॉरी दोस्तों, और सबसे अच्छी मुझे यहाँ स्टिक की जो बात लगी वो ये कि आपको सिंगल क्लिक पे, जैसे मान लीजिए आपको 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल आपको बेरिश बता रही है,
फिर आप 15 मिनट के कैंडल पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए बेयरिश था पाँचों, अब यहाँ पर जो रिलायंस है बुलिश दिखा रहा है, यानी कि 5 मिनट में यही बेयरिश हो रहा है और 15 मिनट में यही बुलिश दिखा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इसमें जो हमें ट्रैक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है दोस्तों, मान लीजिए ओवरऑल सेक्टर जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से हमने डेली चार्ट खोल के देख लिया कि कौन सा सेक्टर बेयरिश है या कौन सा इंडेक्स जो है वो बेयरिश है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि जो ये है निफ्टी 50, ये बेयरिश है। फिर हमने ओरली जो ओरली कैंडल है या ओरली चार्ट है उस पर देख लिया, यहाँ पर भी दोस्तों देखिए निफ्टी 50 बेयरिश है। हम आ गए 15 मिनट पर, तो हम 15 मिनट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 15 मिनट में भी आप देखिए बेयरिश दिखा रहा है। तो हमें क्या है, पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम पर देख लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो आपने तीन तीन चार चार बार एक चीज़ को फिल्टर करी। तो ज़्यादा बार आप जितने ज़्यादा फिल्टर करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि टेक्निकल में आगे ट्रेंड कैसा है। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर आ गए हम, मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर व्यू ऑल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको डिटेल व्यू मिल जाए कि किसको कैसे समझना है। अब बेसिकली हम यहाँ डैशबोर्ड में थे, वापस हम डैशबोर्ड में आए और यहाँ से क्या करा, हमने आल दबाया तो ये जो सारी चीज़ें हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ एक पेज पे खुल गई। लेकिन मैंने जैसा थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको सारे फॉलो नहीं करना है, सारे में क्या है दोस्तों सब मिक्सचर हो जाएगा और आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी में अपना एज या अपना विशेषज्ञता नहीं बना पाएंगे। हमको सारे फॉलो नहीं करना है, हमको किसी एक में अपना बेस्ट बनना है। अब देखिए यदि आप स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो है अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल जो दिया था और जो बैक टेस्ट हुई थी, बैक टेस्ट मतलब ये कि मैक्सिमम, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बोलने से अच्छा आपको दिखाना बेटर रहेगा। देखिए इसकी स्ट्रेटेजी को जब बैक टेस्ट किया इन्होंने तो रिजल्ट क्या आया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। SBI की मंदी दिखा रहा है 4-5%, ठीक है। बैक टेस्ट PNL जो पिछली बार जब ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट हुई थी तो 34% गेन हुआ था, ठीक है, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी में आप देखिए 144 बार स्ट्रेटेजी को सिग्नल मिला दोस्तों। स्ट्रेटेजी यानी क्या कि आपने इसमें कुछ इप्स एंड बट्स डाल रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाए तो बाय कर लेना 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, या 20 मूविंग एवरेज के नीचे चले जाए सेल कर देना 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सिंपली आपकी क्या हुई स्ट्रेटेजी बन गई जिसमें आपने इप्स और बट्स लगा दिए, फिर आपने इसमें स्टॉप लॉस डाल दिया, आपकी एंट्री डाल दी और आप इसमें टारगेट भी डाल देते हैं। तो सारी चीज़ें मशीन करते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी ने पीछे में पिछले कुछ दिनों में क्या करा, 144 बार इसको सिग्नल मिला, उसमें से 89 टाइम ये जीत गया यानी कि विन हुआ और 55 बार ये हारा है, ठीक है। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन का ये होता है दोस्तों, इसका ये मतलब होता है कि गिरी से गिरी हालत में जो अकाउंट आपका खाली होगा वो मोटा मोटी 4% खाली होगा, ठीक है। अब देखिए हाई पीरियड में जो था इसका 373 पे था, लो जो था 244 तक गया। अब जो रिटर्न दिया है 17% रिटर्न दिया है, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी ने। और आप यहाँ देखिए ओवरऑल जो आपको यहाँ पर परसेंट में दिखा रहा है ये 4%, अगर आप देखिए जो गेन करा है विनिंग ट्रेड पे, जो एक स्ट्रेटेजी जो आपके सामने मैंने बनाई है, अगर जीत गए आप यानी कि आपका सिग्नल मिला आपको और आपने ट्रेड लिया और आप अगर जीत जाते हैं तो आपको 3200 रुपये के आसपास यानी कि एक शेयर पे जो दिखा रहा है 3 रुपये 26 पैसे के आसपास मिलेगा आपको, और यदि हार जाते हैं तो 1 रुपये 94 पैसे यानी कि 2 रुपये। तो रिस्क टू रिवार्ड मोटा मोटी 1:1.5 है, ठीक है दोस्तों। हालांकि अगर आप 1:2 देखना चाहते हैं, 1:3 देखना चाहते हैं तो अंदर सिग्नल में जाकर या जो उसमें पैरामीटर डलते हैं उनमें जाकर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए तो मैं आपको पर्सनलाइज मैसेज करके सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा ताकि आपको प्रॉफिट करने में आसानी हो, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये चीज़ें इसमें देख ली है कि किस तरह काम हुआ। अब ये देखिए ये शेयर्स दिखा रहा है कि TCS में हमने करा तो 12% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल सिप्ला में हमने स्ट्रेटेजी लगाई तो 18%, हिंडालको में लगाई तो 12% और इंडसइंड जो बैंक है उसमें लगाई तो करीबन 26% हमें प्रॉफिट मिला। तो यहाँ तो हो गई दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की बात जो कि है स्टोकास्टिक वाली। ऐसा ही हम चलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग पे, तो ट्रेंड फॉलोइंग पे देखिए पैराबोलिक सार जो है वो बाई दे रहा था, ठीक है। बैक टेस्ट करने में यहाँ पर पता चला 3% रिटर्न है लेकिन ड्रो डाउन भी 3% है। हमारे लिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अब सुपर ट्रेड में देखिए दोस्तों जो मैक्सिमम ड्रा डाउन है यानी कि आपका अकाउंट खाली होगा 2% और उसके बदले में आपको मिलेंगे 9, 9.5 या 10% मोटा मोटी। तो इस स्ट्रेटेजी को हम थोड़ा सा बैक टेस्ट में देख लेते हैं किस तरह ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए
फायदेमंद साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, मारुति में जब ये स्ट्रेटेजी लगाई थी दोस्तों, तो जो प्रॉफिट हुआ था वो 10% हुआ था। सिग्नल मिले थे 43 टाइम, 24 बार हम जीत गए, 19 बार हम हारे, ठीक है दोस्तों। और मैक्सिमम 2% आपको डाउन जाना है। ऐसा ही आइसर मोटर में दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी लगाई, इसमें 11% का रिटर्न मिला, 59 टाइम हमें सिग्नल मिला, 25 टाइम हम जीत गए, 34 टाइम हम हारे। लेकिन फिर भी होता क्या है दोस्तों, जो रिस्क रिवार्ड है अगर वो जाता है, मान लीजिए आप एक बार हारते हैं 1 रुपया जाता है, एक बार जीतते हैं आप 3 रुपये जीतते हैं, ठीक है, तो आप 2 बार हारोगे तो 2 रुपये जाएंगे, और 2 बार जीतोगे तो आपको 6 रुपये मिलेंगे, यानी ओवरऑल आप 4 रुपये का प्रॉफिट आपने फिर भी कर लिया है। तो जितना रिस्क रिवार्ड ज़्यादा रहेगा उतना आपका जो पैसा गंवाने का चांस है वो कम होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जितनी बार आप ज़्यादा जीतेंगे उतनी बार आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। दोस्तों ये हमने देख ली है सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी। ऐसे ही दोस्तों ये रैंकों की स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं। फिर ट्रेंड में अगर आप जाएंगे तो ये सिंपल मूविंग एवरेज जो क्रॉस ओवर, अब क्रॉस ओवर क्या होता है दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए कोई छोटा मूविंग एवरेज, मान लीजिए 50 दिन का मूविंग एवरेज या 50 कैंडल, हालांकि अगर आप 5 मिनट की कैंडलस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो पिछले 50 कैंडल का मूविंग एवरेज होता है। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता और वो ये मान के चलते हैं कि ये 50 डे मूविंग एवरेज है। दोस्तों 50 डे मूविंग एवरेज कब बनेगा, जब आप डेली वाला चार्ट लगाएंगे, यानी कि एक कैंडल एक दिन की रहेगी और उस पर जब आप 50 का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो 50 डे बन जाएगा। और यदि आप 5 मिनट की लगा रहे हैं तो 5 मिनट में क्या होगा, कोई जो पिछली 50 कैंडल रहेगी उसका मूविंग एवरेज आएगा, ये अंतर होता है। तो जो ऐसे में क्रॉस ओवर होता है ये ऐसा है जैसे एक आपने क्रॉस ओवर लगाया है, मतलब एक स्ट्रेटेजी जो एक जो मूविंग एवरेज लगाया है वो 50 का लगाया, दूसरा लगाया है आपने 100 का लगाया है, तो जब 100 वाला मूविंग एवरेज चलता जाए और यदि तेज़ी हो रही है शेयर में, तो जो 50 दिन वाला मूविंग एवरेज है वो 100 दिन वाले मूविंग एवरेज को काट के ऊपर चले जाए तो उस स्थिति में तेज़ी होगी, और यदि 50 वाला मूविंग एवरेज 100 वाले मूविंग एवरेज को काट के नीचे चले जाए तो उस केस में मंदी होगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा लाइव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको उसमें आसानी हो। दोस्तों हम सीधा चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके सामने 5 मिनट का ये चार्ट है और ये मारुति का चार्ट, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा कि 2 मूविंग एवरेज लगा दिए, एक 50 का लगा दिया है और एक 100 का लगा दिया है। अब ये जो ऊपर चल रहा है दोस्तों ये 100 का है, ठीक है, और ये जो नीचे चल रहा है दोस्तों ये 50 का है। तो हम इसको चार्ट का थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो समझ में क्लियर आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों जहाँ पर क्रॉस हुआ, ठीक है, 50 का जो मूविंग एवरेज था वो ऊपर गया फिर नीचे आया, सेल पोजिशन बनी, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों ये नीचे चला गया लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। क्रॉस कब हुआ, वो यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर बाय करने का था लेकिन शेयर ही नीचे था, यानी कैंडल ही नीचे। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जब क्रॉस ओवर हो तो ऊपर की साइड हो तो कैंडल भी ऊपर बनना चाहिए, और जब नीचे की साइड हो तो कैंडल भी नीचे ही बनना चाहिए। अब इस स्थिति में हमें कहाँ पर बेस्ट मूवमेंट मिला है, कहाँ पर बेस्ट मूव मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर क्रॉस नहीं हुआ, अभी यहाँ ऊपर क्रॉस हुआ है लेकिन ये नीचे की तरफ कैंडल बनाया है इसने, तो यहाँ पर हमें बाय नहीं करना है। फिर ऊपर आया, अब क्रॉस हुआ लेकिन वहीं से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों जब भी इस कैंडल के नीचे गया और आप अगर सेल कर देते और इसी लाइन को अगर आप स्टॉप लॉस बना लेते तो आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर गया फिर नीचे आया, मान लीजिए आपने यहाँ क्रॉस ओवर होने के बाद आपने सेल किया होता 7086 पे, नीचे आते आते कब ऊपर गया ये 7030 पे, यानी कि 30-35 रुपये आपको बैठे बैठे मिल गए। फिर इस लाइन के नीचे आया, सेल कर देते हैं तो टारगेट आपको कितना 7030 रुपये से 6880 रुपये, यानी कि 200-300 रुपये आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि आप किसी को बाई में देखेंगे या किसी को सेल में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी देखिए लगातार गिरावट थी इस शेयर में, लगातार गिरावट थी दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेड में। जैसे ही बड़ी कैंडल बनी इस मूविंग एवरेज से ऊपर क्रॉस करके चली गई, हमने अगर 220 पे बाय किया होता तो इसने हाई बनाया था दोस्तों 222 रुपये का, यानी कि आसानी से हमें 2 रुपये मिल गए होते, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यदि हमने यहाँ पर ये बड़ी कैंडल थी, इसने बड़ा ब्रेकडाउन दिया और हमने अगर 220 पे इसको सेल किया होता तो 217-218 रुपये पे मिल गए होते हमें, यानी कि 203 रुपये हमें इधर भी मिल गए होते। और फिर यहाँ से नीचे क्रॉस ओवर करने के बाद अगर हम 219 पे भी सेल कर देते तो वापस हमें 216-217 रुपये आसानी से प्राइस मिल जाती है, यानी कि दोस्तों हर ट्रेड में हमें एक शेयर से 2-3 रुपये आसानी से
मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज ये डेथ क्रॉस होगा, आपको कौन सा भी एक बड़ा मूविंग एवरेज लेना है, एक छोटा मूविंग एवरेज लेना है। जब छोटा मूविंग एवरेज काट के ऊपर चले जाए तो बाय का सिग्नल होता है, और जब छोटा मूविंग एवरेज काट के नीचे चले जाए तो सेल का सिग्नल होता है। अब ये मेन रिवर्सल क्या होता है दोस्तों, मैं बता दूँ, बोलिंगर बैंड मैं आपको लगा के बता देता हूँ, बोलिंगर बैंड होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को दोस्तों उसको मतलब भी पता नहीं है और उनको गलत ही यूज़ करते हैं, उसको गलत तरीके से ही यूज़ करते हैं। मैंने बोलिंगर बैंड लगा दिया दोस्तों। अब बोलिंगर बैंड के क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। अब ये मूविंग एवरेज वाली लाइन हम इसमें से काट देंगे क्योंकि वो मैंने आपको समझा दिया है। ये मैंने यहाँ से तीनों मूविंग एवरेज काट दिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब दोस्तों जो 20 की जो लाइन है ये 20 डे सिंगल सिंपल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ 5 मिनट का जो चार्ट है, कैंडल है, तो जो पिछली 20 कैंडल है उसका सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये जो नीचे है ये -2 है और ये +2 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना दोस्तों वो लगा हुआ है। तो ये +2 है ऊपर, ये -2 है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये जब नीचे वाली लाइन के पास आता है तो सपोर्ट का काम करते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ जो है इसने तोड़ा, बाहर निकला लेकिन वापस सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ तोड़ा वापस सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ पर तोड़ा सपोर्ट ले लिया। अब ऐसा ही हम पीछे चल के थोड़ा सा रेजिस्टेंस को देख लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं गलत चीज़ बता रहा हूँ। लाइन के ऊपर जाने वाला था, तुरंत उसको रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर लाइन के ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया, फिर और इधर चलते हैं हम थोड़ा पीछे, फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सपोर्ट मिला इसको, यहाँ पर सपोर्ट मिला, ऊपर जाने की लंबी विक बनी, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेन रिवर्सल कहलाती है, मतलब कि मेन पॉइंट पर जाएगी और वहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगी, फिर मेन पॉइंट पर जाएगी, वहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर रिवर्स हो जाएगी, या ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगी और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। मोमेंटम में दोस्तों ये होता है, जैसा कि जो RSI और ये सिंपल CCI है, ये चीज़ें मोमेंटम दिखाता है कि यदि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मोमेंटम कितना तेज है, कितना फास्ट ऊपर जाएगा, फिर कितना फास्ट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो जो बायोकॉन है, बायोकॉन देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड आपको दिखा रहा है, RSI का लेवल जो है वो भी इसमें दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है आपको। बैक टेस्ट में देखिए दोस्तों, 5.5% का रिस्क दिखा रहा है और बदले में करीबन 18% का रिवार्ड दिखा रहा है, यानी कि 1:3 की स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे 1:2 3.5 का लॉस है और 7% का प्रॉफिट है, यानी कि 1:2 का प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर 4% का रिस्क है और 26% का रिटर्न है, यानी कि यहाँ पर 5:1:5 का रिस्क रिवार्ड है, वो जो कि बोलिंगर बैंड और RSI दोनों को क्लब करके जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसका है। अब हम लास्ट वाले को देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रेंको चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपकी जो रिस्क रिवार्ड है वो फेवरेबल नहीं है, लगभग 1:1.25% का रिस्क रिवार्ड है, यहाँ पर 1:4 का रिस्क रिवार्ड है और यहाँ पर भी 1:4 या 1:5 का रिस्क रिवार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटेजी थी। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब डिस्कवर पे चले जाएंगे, थोड़ा सा लोड हो देता हूँ पेज को, फिर बताता हूँ मैं आपको। डिस्कवर पे जाएंगे तो क्या होता है, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपके हिसाब से जो आपको स्ट्रेटेजी सूट करे कि वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर सामने बाय डिफॉल्ट बिना आपके कुछ करे, बिना आपके कौन से बटन दबाए यहाँ पर खुल जाएगी। माय स्ट्रेटेजी में यदि आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं वो आ जाएगी, और यदि आपने कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है तो आप यहाँ पर लाइव स्ट्रेटेजी में क्लिक करेंगे तो यदि कोई वेट कर रही है कोई सी स्ट्रेटेजी किसी सिग्नल मिलने का तो यहाँ पर दिखाएगी। यदि किसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आपको ट्रेड मिल गया है और वो ट्रेड इंटर हो चुका है, यानी कि उसने पोजिशन ले ली, तो वो यहाँ दिखाएगा, और यदि किसी में स्टॉप लॉस हो गया है तो यहाँ दिखाएगा। पेपर ट्रेडिंग वो होता है दोस्तों जिसमें आप यदि नया ट्रेडर है, ठीक है, आपको अभी डर लगता है बाजार से या पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी वही लागू होगी, रियल टाइम पे ही चलेगी, रियल मार्केट में ही चलेगी, लेकिन आपकी रियल मनी की जगह यहाँ पर पेपर ट्रेड होगा, यानी कि रियल मनी की जगह आपका वर्चुअल पैसा यूज़ होगा। उस हिसाब से तो नहीं बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पर हमने ये स्ट्रेटेजी देख ली। स्कैनर में दोस्तों जैसा कि आपको कोई स्कैन करना है, आप देखिए टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, हम थोड़ा नीचे चल के देखें बुलिश कौन सा है। अब बुलिश है तो डेली MACD पे है, 2% से ऊपर क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ, इस तरह के सारे आपको इप्स एंड बट्स मिल जाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको शॉर्ट में, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका ओपन ऑर्डर दिखाएगा, जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया वो दिखाएगा, आपकी अगर कोई पोसी पोजीशन खड़ी वो दिखा देगा, और यहाँ पर आपको होल्डिंग दिखा देगा। दोस्तों मुझे बताइएगा कि ओवरऑल स्ट्रेक 3.0 वर्जन कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर यदि अब तक नए हैं आप और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार।